नमस्कार दोस्तों, राम राम। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने फिटनेस चैनल पर। आज मैं बात करूंगा इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है और इसको कैसे बढ़ाएं। पहले तो ये हम समझते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या है। इम्यूनिटी सिस्टम हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की ताकत होती है, उसकी जो सुरक्षा प्रणाली है, उसका जो एक आंतरिक जाल है, उसी को हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, बीमार होने से बचाती है। इम्यूनिटी सिस्टम कम होने के क्या कारण है? आजकल जो लोगों का खान पान है, जैसे फास्ट फूड हो गया, जो लाइफ स्टाइल है, जैसे देर से उठना, देर से सोना, वर्कआउट नहीं करना, स्वेट को बाहर नहीं निकालना, रनिंग नहीं करना, छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ऐसे फास्ट फूड खाना जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा हो, वसा ज़्यादा हो, जिसमें प्रोटीन कम हो, मैग्नीशियम कम हो, इन चीज़ों का सेवन कम करना, फल फ्रूट की तरफ लोगों का ध्यान कम जाना, फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना, यही एक कारण है जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत प्रभावित हो रहा है। इस इम्यूनिटी सिस्टम को हमें सही करने के लिए सबसे पहले तो जो खराब आदतें हैं वो हमें छोड़नी पड़ेगी, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, धूम्रपान, जैसे कि देर से उठना, देर से सोना, जंक फूड खाना इत्यादि आदि चीज़ें, तेल की वगैरह की, वसा की, जिससे हमारा फैट ज़्यादा कन्वर्ट हो, उन चीज़ों को अवॉइड करने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में सुधार आएगा। और ये इम्यूनिटी सिस्टम दो प्रकार की होती है, निष्क्रिय और सक्रिय, एक्टिव और डीएक्टिव। सक्रिय जैसे कि हमारी खुद की शरीर की प्रणाली होती है, जो कुदरत की देन है, वो हमारे शरीर की अच्छी तरीके से रक्षा करती है, प्रतिरक्षा जाल, एक नेट बोलते तो प्रतिरक्षा सुरक्षा डेवलप नेट ये तैयार करती है। दूसरी चीज होती है निष्क्रिय, निष्क्रिय को बोलते हैं आर्टिफिशियल। अगर किसी व्यक्ति का बूस्टर यानी बॉडी बूस्टर कम है, रोगों से लड़ने की जो ताकत है, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी सिस्टम उसका कमजोर है, तो उसको आर्टिफिशियल तौर से भी उसके शरीर में वो इम्यूनिटी सिस्टम डाला जाता है, उसी को हम आर्टिफिशियल निष्क्रिय इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें सबसे ज्यादा खट्टे फलों का उपयोग करना चाहिए, उसके अलावा हमें पेय युक्त पदार्थ का यूज ज्यादा करना चाहिए, उसके अलावा हमें प्रोटीन से संबंधित पदार्थों का ज्यादा यूज करना चाहिए, जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट इत्यादि। इसके अलावा हमें खाने पीने में दो तरह की ध्यान और रखनी चाहिए, वो मौसम के हिसाब से रखनी चाहिए। जैसे कि अभी सर्दी आ रही, तो सर्दी के हिसाब से आप सेवन करें, सर्दी के हिसाब से आप गर्मी वाली चीज़ें ले सकते हैं, गुड़ की तासीर ले सकते हैं, जो चीज़ें गर्म होती है वो सर्दी में ज़्यादा ऑब्जर्व होगी और हमारे शरीर में थोड़ा सा गर्माश बना रहेगा। तो मौसम का भी आप ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि आप गर्मी में अंजीर खा रहे हो, आप कुछ गर्म चीज़ें खा रहे हो तो वो शरीर को साइड इफेक्ट देता है। जो फल फ्रूट नट्स होते हैं उनका भी एक समय होता है खाने का, अगर उसको हम सही समय पे, सही टाइम पे और सही मौसम के अकॉर्डिंग खाते हैं और सही से पचाते हैं, तो ही वो हमारे शरीर में ज़्यादा गुण करेगा, उसका ज़्यादा रस बनेगा, तो ज़्यादा पीत बनेगा, ज़्यादा खून बनेगा, ज़्यादा वीर्य बनेगा। तो उसी से हमारे शरीर का जो डेवलपमेंट है, इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर है, वो अच्छा होगा। इसके साथ साथ आप योगा और वर्कआउट करना ना भूले, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि योगा और वर्कआउट करने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जितना स्वेट्स निकलेगा उतने खराब अपचित पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारा शरीर एकदम स्वस्थ एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, या फिर आप कहीं कंपटीशन खेलना चाहते हो, मॉडल बनना चाहते हो, किसी भी तरह अपने शरीर को स्वस्थ और सुरक्षित रखना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने इम्यूनिटी सिस्टम को आपको सही करना होगा। इसलिए आप अच्छी से अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं और अपने परिवार का और अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।